तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, क्या चल रहा है आज? तो भाई साहब, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का धमाकेदार वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वन चल रहा है और इंडिया के बैट्समैन ने जो ली है इस बार, क्योंकि 2019 में बदला चुकाना था भैया, क्योंकि नॉकआउट किया था न्यूजीलैंड ने, आई थिंक क्वार्टर फाइनल था या सेमीफाइनल था, आई डोंट नो, लेकिन न्यूजीलैंड ने इंडिया को यहाँ से बाहर कर दिया था वर्ल्ड कप की सीरीज से। तो आज वो बदला लेते नजर आए हैं हमारे विराट कोहली, हमारे श्रेयस अय्यर, हमारे शुभमन गिल और अपने कप्तान साहब रोहित शर्मा। भाई शुरुआत से ही जो तोड़ाई करनी शुरू करी है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी भाई साहब, तो मज़ा आ गया और एक गोल्डन मोमेंट यहाँ से क्रिएट हुआ। लीजेंडरी प्लेयर सचिन तेंदुलकर का 49 जो सेंचुरी कंप्लीट करी थी, उस जाइंट रिकॉर्ड को विराट कोहली ने, सेकेंड लीजेंडरी प्लेयर ने ब्रेक डाउन कर दिया। मतलब ये प्रिडिक्शन भी एक बार सचिन तेंदुलकर खुद ने करी थी कि रोहित शर्मा या फिर विराट कोहली, इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर होगा जो मेरे इस रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन करेगा। और यस, आज विराट कोहली ने 50 सेंचुरी कंप्लीट करके उस रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन किया, अपने गुरु को उस उम्मीद पर खरा उतारा जिसने वो उम्मीद जताई थी। तो भाई मजा आ गया, मैच सॉलिड चल रहा है और जबरदस्त चल रहा है, लेकिन 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 टाइगर 3 को बहुत घाटा चल रहा है आज के दिन, तो बहुत घाटा चल रहा है क्योंकि सारी ऑडियंस मैच में बिजी है और थिएटर्स खाली हैं या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन चल रहे हैं, फिर भी उतना भी नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ और डे के मुकाबले घाटा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है क्योंकि डे 4 है आज, कोई अच्छा साइन नहीं है। तो भाई साहब पहले बात करेंगे, कल डे 3 की ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है मेकर्स की तरफ से पोस्टर के साथ, ज़बरदस्त, मतलब पहले 3 दिन में तो रिकॉर्ड ज़बरदस्त सेट किया है और आज कैसी कमाई कर रही है उसके बारे में भी बात करेंगे, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है, हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, कब, जब आपको एक आध मिनट में काम पसंद आ जाए तब। चलिए शुरू करते हैं भाई साहब, कल तबाही कर दी, मतलब कल हिंदी से ही मूवी ने सिंगल डे में 43.50 करोड़ का कलेक्शन किया है और जो कि ह्यूज नंबर है। अदर लैंग्वेज यानी तमिल तेलुगु से इस मूवी ने 1.25 करोड़ की कमाई करी है। तो कल टोटल नेट इंडियन कलेक्शन एंड ऑफ द डे तक कितना आया ऑफिशियली, 44.75 करोड़, मतलब 44.75 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन। सेकेंड डे पर नेट इंडियन कलेक्शन 58 करोड़ था और थर्ड डे पर 44.75 करोड़। तो देखा जाए तो मूवी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, वर्ल्ड कप का टाइम चल रहा है भाई, उस टाइम पर भी सलमान खान अपनी मूवी के लिए अच्छा खासा कलेक्शन लेते आ रहे हैं। टाइगर 3 से बहुत पोटेंशियल है, इस मूवी में बहुत पोटेंशियल है, ये मूवी डेफिनेटली 1000 करोड़ डिजर्व करती है, लेकिन ये समय गलत है। तो टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले 3 दिन का हो जाता है कल एंड ऑफ द डे तक 144.50 करोड़, तमिल तेलुगु से पहले 3 दिन में हो जाता है 4 करोड़ का, और टोटल नेट इंडिया से हो जाता है कल एंड ऑफ द डे तक 148.50 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 180.50 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 240 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी, मतलब फास्टेस्ट 200 करोड़ के क्लब में तो इस मूवी ने एंट्री मारी ही मारी और जबरदस्त तरीके से तीसरे दिन में ही 240 करोड़ अपने खाते में ले आई। तो देखा जाए तो टाइगर 3 सलमान खान का जबरदस्त कमबैक है और सॉलिड तरीके से इस मूवी को रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, लोग प्यार भी दे रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज इतना जबरदस्त मैच होने के बावजूद भी ये मूवी अच्छी खासी कमाई करते नजर आ रही है। बात करते हैं आज वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में क्या रुझान देखने को मिल रहा है इस मूवी की तरफ से। तो भाई साहब आज बहुत बुरे हाल देखने को मिल रहे हैं, हाँ वो कलेक्शन करते नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ठीक ठाक कलेक्शन ये ले आई है एक वर्किंग डे और फ्लेक्सिबल हॉलीडे होने के बावजूद। नेट इंडिया से आज एंड ऑफ द डे तक 25 करोड़ आता नजर आ रहा है, ओवरसीज से अच्छा खासा अमाउंट हाथ में नजर आ रहा है जो लगभग में लगभग 12 करोड़ के आसपास टच कर रहा है। तो आज एंड ऑफ द डे तक सिर्फ नेट इंडिया से ये मूवी 161 करोड़ टच कर लेगी, तो पूरी दुनिया से पहले 4 दिन में आज एंड ऑफ द डे तक 280 करोड़ मे बी पॉसिबली टच कर सकती है। तो जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोगों क्या लगता है, क्या ये मूवी 300 करोड़ भी टच कर जाएगी।